तो गाइस ये है पेंसिल। अक्सर हम पेंसिल का यूज करते हैं लिखने के लिए, और इसके अलावा हम इसका क्या यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लिखने के साथ और भी काम कर सकती है, जो कि आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ये आप नॉर्मल सी दिखने वाली पेंसिल का उपयोग शायद लिखने के बारे में जानते हैं, लेकिन आज हम इसी पेंसिल का यूज करके बनाने वाले हैं सोल्डरिंग आयरन, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमने पेंसिल को आगे से इतना छील दिया, ये देख इतना ग्रेफाइट को निकाल दिया बाहर। सोल्डरिंग आयरन बनाने के लिए हमें चाहिए दो वायर, सोल्डर करने का वायर, कॉपर वायर, और एक और दूसरा वायर, मतलब इसको कनेक्ट करने के लिए। तो इन सभी का हम करते हैं कनेक्शन। कनेक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले कॉपर के वायर चाहिए, कुछ इस प्रकार के। तो हम दो कॉपर के वायर लेते हैं और इसको काट दिया। एक को लेना है और इसी जगह, मतलब इस जगह लपेटना है। तो आप देख सकते हैं हमने इन दोनों वायर को कुछ इस प्रकार लगा दिए, और आगे जोड़ना है ये दोनों वायर कुछ इस प्रकार, कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, रेड और येलो को। तो आप देखिए हमने कुछ इस प्रकार दोनों वायर को जोड़ दिया है। तो हमने इसके ऊपर फाइबर स्लीव को लगा दिया था कि जले ना, और अब इसके ऊपर करते हैं टैप। तो गाइज फाइनली आप देख सकते हैं हमारा सोल्डरिंग आयरन कुछ इस प्रकार बनकर तैयार हो गया, और ये ऐसा दिखता है। ये देखिए बस कुछ नहीं, दो वायर लगा दिए आगे और फाइबर स्लीव लगा दिए, और दोनों वायर के पीछे हमें लगानी है यूएसबी केबल। कोई भी यूएसबी केबल लगाकर इसके पीछे जोड़ देना है, और इसको पावर देने के लिए हम यूज कर रहे हैं चार्जर का। तो लगा दे इसके अंदर, और इसको लगाते हैं स्विच के अंदर यानी बोर्ड के अंदर, और स्विच को करते हैं ऑन। थोड़ी देर में ये हो जाएगा गर्म और फिर काम करने लायक हो जाएगा। तो अभी थोड़ा गर्म होने देते हैं। ये देखिए अभी थोड़ा धुआं निकल रहा है, पहली बार में धुआं निकलेगा, बाद में ये सेट हो जाएगा। और ये देखिए वायर को पिघलाना भी शुरू कर दिया। ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। ये देखिए वायर भी हट गया, और अब इससे वापस सोल्डरिंग करके देखते हैं। ये देखिए गाइस बिल्कुल सोल्ड हो चुका है वापस। अभी तो ये थोड़ी सिली जल रही है, और इसको ज्यादा गर्म तो वैसे करना नहीं है।